एक साथ सारे बायर सप्लायर मुझे सब मिल जाते हैं, और साथ में आपको फायदा क्या होगा कि 24 लाख में से दो दिए तो 20 तो एक बार बच गए। कहते हैं ना 5 लाख 8 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख हजारों बायर डायरेक्ट आपके पास पहुंचेंगे। भाई देखो आज डबास जी और अनूप जी, फिर नाम बोलते जाओ अपना अपना सभी, राजेश जी, अरविंद जी, अनूप जी, राधेश्याम जी, आप सभी ने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। तो आज मेरा जो आपसे प्रश्न था वो ये था कि भाई एग्जीबिशन में आपने क्या सीखा, और एक बात मैंने विशेष रूप से कही थी कि प्रोडक्ट सेंट्रिक बात को छोड़कर, क्योंकि हो सकता है कि आज जिस एग्जीबिशन में गए उसमें किसी का प्रोडक्ट किस तरह का है, किसी का कोई और प्रोडक्ट है। मान लीजिए फ्रूट्स वाले हैं वो कहेंगे मेरे मतलब का प्रोडक्ट ही नहीं था, या जो प्लास्टिक प्रोडक्ट में वो कह गए तो स्टील का था सारा। तो आज मैं आपको बताता हूँ एग्जीबिशन पार्टिसिपेट क्यों करनी चाहिए। वैसे तो अपनी इंडस्ट्री की पार्टिसिपेट करो, पर इसके अलावा भी अगर आप एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करते हैं ना तो आपको क्या लर्निंग मिलती है। सबसे पहली जो लर्निंग है ना वो एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन की, वो ये है कि हमें ये पता लगता है कि एग्जीबिशन चाहे वो 3 दिन की हो 4 दिन की हो, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर यदि हमने पार्टिसिपेट किया तो हम इतने नंबर ऑफ पीपल से एक साथ मिल सकते हैं जितने हम पूरे 2 साल में भी नहीं मिल पाएंगे। नंबर वन, मतलब 3 से 4 दिन के एग्जीबिशन में आप 300 से 400 लोगों से भी ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, जो कि आप पूरे साल में वैसे नहीं मिल पाएंगे। क्लियर। दूसरी लर्निंग, एग्जीबिशन में हमें सबसे ज़्यादा सप्लायर, बायर, वेंडर, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, उस इंडस्ट्री का हर विधा का व्यक्ति एक जगह पर मिल जाता है, जो कि आप पूरी इंडिया के टूर करने के बाद भी अगले 1 साल में इतने लोगों से नहीं मिल पाएंगे। मान लीजिए आपको लेज़र कटिंग मशीन वालों से मिलना है, एक है नोएडा में, एक है पंजाब में, एक है हरियाणा में, कोई है जलंधर में, कोई बैठा है अहमदाबाद में, कोई बैठा है चाइना में, कोई बैठा है ताइवान में, तो क्या आप एक साथ मिल पाएंगे सबसे? नहीं मिल पाएंगे। आपको 1 साल का समय लगेगा इतने लोगों तक पहुंचने में, यस और नो? लेकिन हम सिंगल प्लेस में, सिंगल डे में, या 2 दिन में या 3 दिन में इतने लोगों से मिल सकते हैं। कहने का मतलब एक साथ सारे बायर सप्लायर मुझे सब मिल जाते हैं। अब अगर आप एग्जीबिटर हैं, आपने वहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है, तो एग्जीबिशन लगाने के बाद भी आपको हज़ारों बायर डायरेक्ट आपके पास पहुँचेंगे जो उस तरह के प्रोडक्ट या उस तरह की सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं। तो जितनी लीड, हम कहते हैं ना 5 लाख 8 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख एग्जीबिशन में लग गए, हर एक का लेवल अलग है। कोई 2 लाख में एग्जीबिशन कर लेता है जी। आपके स्लॉट का, आपके एरिया का, साइज का रेट है जी। आप किस तरह का डिस्प्ले कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है जी। लेकिन जो व्यक्ति एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है तो वो इतने बायर्स की लीड जनरेट कर लेता है जितने बायर्स की लीड अगले 1 साल में जनरेट कर पाएगा। अब मान लो आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख रुपए महीना है, उसको चलाने की कॉस्ट, और आप 1 साल में इतने बायर तक पहुंचे तो आप 24 लाख रुपए खर्च करके इतने बायर्स तक पहुंच पाते हैं। मान लीजिए 500 बायर तक 24 लाख रुपए 1 साल और 1 साल का समय खर्च करते हैं तब आप 500 बायर तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 4-5 लाख रुपए खर्च करते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो आपकी क्षमता है और जिस लेवल की एग्जीबिशन है, तो आप उतने ही बायर तक पहुंच सकते हैं। और साथ में आपको फायदा क्या होगा कि 24 लाख में से दो दिए तो 20 तो एक बार बच गए जी। प्लस आपको 1 साल का समय भी बच गया, जिस बायर से आप 1 साल बाद जाके मिलते वो पहले ही दिन आप उससे मिल लिए। तो आप लार्ज नंबर ऑफ बायर तक पहुंचते हैं जब आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 3, जब आप अपनी ही इंडस्ट्री की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना तो आप ये नाप पाते हैं, आप ये माप पाते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना? जैसे तालाब का मेंढक और समुद्र की मछली, समुद्र में वेल मछली भी एक छोटी सी चीज़ है जी। तो आप ये अपने आप को नाप पाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और आज इंडस्ट्री में कितना रेवोल्यूशन आ रहा है और कितनी तेज़ी से इंडस्ट्री बदल रही है, और मैं कितना आगे जाने की संभावनाओं में आगे बढ़ सकता हूँ। जब आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो आप जाओगे कहाँ पर जी। हिंदुस्तान में लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनको ये पता ही नहीं है कि उन्हें पता क्या नहीं है, क्योंकि जो पता ही नहीं है उसको पता कैसे करेंगे? उसको पता करेंगे अपने कॉम्पिटिटर से मिलकर, उस इंडस्ट्री के लोगों से मिलकर, नए लोगों के साथ बातचीत करके। और अपने से ऊपर वाले लोगों से जब आप मिलते हैं ना तो आपको ऊपर जाने का रास्ता पता लगता है। अपने से नीचे वाले लोगों से पूछोगे तो वो नीचे का ही रास्ता बताएंगे जी, और ऊपर वाले से पूछोगे तो वो ऊपर का रास्ता बताएंगे, क्योंकि वो वहाँ पहुँच चुका है। इसीलिए ज़रूरत है एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने। और दूसरा, आपके मन में एक जोश, जज्बा और जुनून पैदा होता है कि यार मैंने अपने एग्जीबिशन में अपना काउंटर ऐसा लगाया है, अगली बार मैं इससे बढ़ चढ़ के लगाऊंगा। आज मैंने 5 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लेके गया था, अगली बार 20 लेके जाऊंगा ताकि हम ज़्यादा लीड को पकड़ सकें। आप देखिए कई स्टॉल्स पर नंबर ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कम थे, तो विजिटर आता है, देखता है, चला जाता है। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट वे में उसकी लीड जो है वो मिस हो गई।
पैसे भी खर्च किए उसने, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के हिसाब से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नहीं बिठाए तो वो लीड मिस हो गई। तो लीड मिस ना हो ये भी समझना हमें यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो इस एग्जीबिशन के बाद की बात है कि आपने कितनी लीड लिक्विडेट की, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी फॉलोअप स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप कैसे अपने क्लाइंट को पिच करेंगे बाद में, क्योंकि एग्जीबिशन में तो बायर को भी ध्यान रहता मैं किससे मिलके आया, वो सबसे मिलके आता है, एक इंडस्ट्री के 50 लोगों से मिलके आता है, तो उसको खुद ही याद नहीं होता मैं किससे मिलके आया। तो डील कौन क्लोज करेगा, जो सही समय पर सही फॉलोअप के साथ अपनी लीड को पिच करेगा, जो लीड को सही तरीके से पिच करेगा वही उस लीड को क्लोज करेगा। तो ये टॉप मोस्ट लर्निंग्स हैं जो हमें एक एग्जीबिशन से सीखनी चाहिए, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री की हो या किसी की भी एग्जीबिशन। नेक्स्ट, एग्जीबिशन में हम लोग उस लेवल के लोगों से मिलते हैं जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, सीईओज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, मैनेजमेंट में हैं, तो हमें ये पता लगता है कि वो लोग व्यापार में क्या चीज़ कर रहे हैं, कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे बात करते हैं, फाइन। और हम आगे बढ़ने के प्रयास में और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, और ज़्यादा जोश आ जाता है, जज्बा आ जाता है कि यार ये भी तो कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में तो हमें भी करना चाहिए। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी इंडस्ट्री की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, ना तो अगर मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री की एग्जीबिशन एक साल बाद है तो क्रॉस एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करें, मतलब जो आपकी इंडस्ट्री की नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर 200 लोग लेजर कटिंग वाले हैं, 200 लोग बेंडिंग मशीन वाले हैं, अगर ये ऐसी जगह पर जाते जहाँ पर बाकी प्रोडक्ट होते पर बेंडिंग मशीन अकेले ही होते तो क्रॉस एग्जीबिशन हो जाती, तो क्रॉस एग्जीबिशन में कई बार लीड्स और ज़्यादा जनरेट हो जाती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि हमें हमारी इंडस्ट्री की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए जी, पर सपोर्टिंग इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के बाद भी हम नए लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमने तो एक भी पैसा नहीं खर्च किया जी, हम सिर्फ एज ए विजिटर गए। जब हम विजिटर गए तो इतने सारे लोगों का डेटा हमारे पास आ गया, वहाँ की डायरेक्टरी हमारे पास आ गई, वहाँ की मैगजीन हमारे पास आ गई, वहाँ की जो इंडस्ट्री की लोकल मैगजीन छपती है उसकी डिटेल हमारे पास आ गई, तो हम उससे पिच करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एग्जीबिशन में पैसा खर्च करके आप नेटवर्क बनाएंगे, आप बिना खर्च किए भी डेटा इकट्ठा करके डेटा पर काम करके आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, इज़ क्लियर? यस सर। तो ये हैं असली लर्निंग्स, जिन लर्निंग्स को सीखने में लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बाद ही सिस्टम समझ में आता है कि एक्चुअल में एग्जीबिशन पार्टिसिपेट क्यों करनी चाहिए।